हुजूर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश में भी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है और इसके नियंत्रण के लिए आज जरूरी है कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7,25,00,000 थी, जो सन 2021 में बढ़कर अनुमानित 8,75,00,000 हो गई है, जिसका अर्थ है कि विगत एक दशक में देश की आबादी 1.5 करोड़ बढ़ गई है। शर्मा ने कहा कि यूरोपियन देशों की तुलना में आबादी बढ़ने का यह अनुपात अत्यधिक है। उन्होंने फ्रांस, इटली, स्पेन आदि देशों की आबादी बढ़ने की रफ्तार को भी बताया। रामेश्वर शर्मा ने इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। नहीं, अब आज देश की आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई दूसरे प्रदेश हो, कुल मिलाकर हिंदुस्तान की आबादी जब बढ़ती है तब आबादी का बोझ देश पर आने लगा है और इस मांग का समर्थन पूरा देश में जगह जगह अब अलग अलग हो रहा है। मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिए, मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के सुशासन के लिए यहाँ भी आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। 70 साल में जनसंख्या जो पैदा की है वो पता तो है ना, आज़ादी के बाद कितने लोग कहाँ थे, किस किस की कितनी कितनी आबादी बढ़ी। भाई सड़क, बिजली, पानी यही मात्र विकास नहीं है, रोजगार ये भी एक विकास है। आखिर व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा तो आने वाली 3 पीढ़ियों को क्या देगा, कांग्रेस के कहने से थोड़ी होता है। और इसलिए इस पर संपूर्ण विचार करना चाहिए, सबको विचार करना है, इसको जाति और मजहब में डालने की। कांग्रेस तो इस समय बर्बादी के कगार पर है, तो वो देश में भी वही आलम चाहती है, लोगों में भी वही आलम चाहती है। बीमारी कुछ भी हो वैक्सीन नहीं लगवाना, क्यों, कांग्रेस ने तय किया है। अच्छा तुम बर्बाद हो गए तो लोगों को क्यों मरने के लिए छोड़ रहे हो, उनको तो वैक्सीन लगाने दो, उनमें क्यों धर्म का भूत घुसेड़ रहे हो, उनको क्यों गलत दिशा में ले जा रहे हो। और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इस पर कांग्रेस भी विचार करे, और नहीं है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछो कि उनके कितने बच्चे हैं। गौरतलब है कि असम में भाजपा सरकार पहले ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी इस कानून को लागू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू किया जाए या नहीं, इस पर जोरदार बहस हो रही है, जो कि पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।